सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है लता बेलवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप पड़ी है। एक बार आपको दिखाती हूँ दोस्तों, मैं चलती हूँ बाहर और आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी है और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। तो जब हवा चल रही है तो थोड़ी सी राहत मिल रही है, नहीं तो बहुत, वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ धूप में क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगी है। और मैंने यहाँ सामने अपने आंगन में कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधी है, तो आजकल मैं कपड़े यहीं पर सुखाती हूँ। छत में बहुत धूप रहती है तो छत में जाने का मन नहीं करता है, इसलिए मैंने ये जुगाड़ बनाया है अपने लिए। तो ये रहा बाहर का मौसम और अभी तो मैं बाहर, दोस्तों बाहर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बाहर बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। बाकी मैंने किचन का काम भी सारा निपटा लिया है, मेरा दिन का लंच वगैरह भी हो गया है। और उधर से मैंने अपने घर में, उधर से मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है ताकि गर्मी जो बाहर धूप लगी है ना, तो उसकी पूरी गर्मी अंदर तक खींच के आ रही है। तो इतनी तेज़ धूप है कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। बाहर का मौसम मैंने आपको अंदर से ही दिखाया, बाहर तो जा ही नहीं पा रहे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में और किचन के मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। और यहाँ पर मैं अपने लिए नींबू पानी बना दिया है, थोड़ा सा नींबू पानी पीते हैं और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। बाकी देखिए भाई, पसीना ही पसीना हो रहा है, उधरपुर में तो गर्मी काटना मुश्किल हो रहा है। इस बार बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, तो नींबू पानी लेके चलते हैं कमरे में और पंखे के सामने बैठ के आराम से नींबू पानी पीती हूँ मैं पहले। मैं अभी आई थी बाहर, ये मेरा एक पार्सल आया था, मैं पार्सल लेने आई थी बाहर। 2 मिनट के लिए बाहर क्या गई कि धूप से तो बाप रे चल गई जैसे धूप में, ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे एक पार्सल मंगाया था वो आ गया है और ये रहा पार्सल। तो वहीं पे मैंने खोल के देख लिया था कैसा है, तो अब देखती हूँ मैं एक बार इसको चेक करके। दोस्तों नींबू पानी पीने के बाद मैंने कपड़े भी तय कर दिए हैं जो सुबह धोए थे और जल्दी आधे घंटे में कपड़े सूख भी गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी है, इसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो सारे कपड़े मैंने तय करके रख दिए हैं और अब मुझे शाम को 5 बजे जाना है कमेटी में
आज और कल यानी कि 14 और 15 तारीख को हमेशा मेरी कमेटी होती है, तो अब मुझे शाम को जाना है कमेटी में। दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं जा रही हूँ कमेटी में। तो ये रहे मेरे कमेटी के पैसे, और अभी शायद हस्बैंड जी को टाइम लगेगा ड्यूटी से आने में, तो तब तक मैं कमेटी से आ जाती हूँ। और यहाँ देखिए कितना पसीना हो रहा है, गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं, तो चलते फटाफट से कमेटी में। दोस्तों अभी मैं कमेटी से घर पे भी आ गई हूँ और बाहर अंधेरा हो गया है, तो मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं आलू के छोले बना रही हूँ, तो आलू मैंने कूट दिए हैं, और खाना बनाने से पहले मैंने थोड़े से यहाँ पे पापड़ भी तल दिए हैं। तो अभी खाना बना लेती हूँ मैं, जब तक खाना बनता है तब तक खाते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा खाना, एक साइड मैंने सब्जी रखी है और दूसरी साइड बन रही है चाय। तो पापड़ के साथ चाय भी हाँ पियेंगे, और इसमें मैंने सोयाबीन भी डाल रखी है, और इधर मैंने सिलवट्टे में 8 आलू कोट रखे हैं। बाकी यहाँ पे बन रहा है मसाला सब्जी का।